जोहार झारखंड में हूँ सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। मांडर विधानसभा नव निर्वाचित विधायक श्री बंधु तिर्की आज मांडर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के समस्याओं से अवगत हुए। वहीं उन्होंने कई ब्लॉकों में जाकर के खुद निरीक्षण भी किया। ब्लॉक के बगल में ही रेफरल अस्पताल में वहाँ जाकर सारे डॉक्टरों से भी मिले। तो ये पूरी खबरों पर नजर डालते हैं हमारे मांडर संवाददाता विवेक सोनी के साथ। आइए मैडम सुने, बहुत महत्ता है मैडम, कैसे रहते हैं? थोड़ी झुमका नहीं देख रहे दादा, मिले मिलता है अच्छा से। कितना पेशेंट लोग हैं? अरे सभी हम आ रही है, ये फोन ले ले थोड़ा साफ सफाई कुछ पूरा एक रात हो गए। मीटिंग बुला के सर्कुलेट कर दीजिए पूरे। उसमें आपको एक काम कीजिएगा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के स्टाफ भी बुला लीजिए टोटल को, ठीक है, जो आपके अधीन में कार्यरत है उनको। मैंने आप 22-23-24 लिख लीजिए, 22-23-24 आसपास जब भी होगा तुरंत बता दीजिएगा। हाँ आप ठीक है, स्टाफ आ जाएगी, सब स्टाफ फील्ड से भी आ जाएगी। आप देखते हैं करके बताइए, 22 इधर 23 इधर 24 इस तारीख को बुला करके हमको बुला लीजिएगा, ठीक है। तो पल्स पोलियो से मीटिंग से क्या मतलब, हम लोग एक दिन आगे दादा तो 2 घंटा रहना ना पड़ेगा ना, 2 घंटा हम जो बात बोल रहे हैं उसको सुनिए ना, बहुत लेट मत कीजिए। 11 तारीख आ जाए, 18-20 अभी पल्स पोलियो तैयारी में सब पंच पोलियो के बाद रख कब है पंच पोलियो 19-20-21 को खत्म होगा। आपका टाइम फैक्ट न्यूज में स्वागत है। आप मांडर विधानसभा में जीत हासिल किए, इनका मुख्य किनका हाथ है जी आपके जीत के ऊपर? देखिए हमारे जो सभी कार्यकर्ता और हमारे शुभचिंतकों का यह जीत है उनका अथक प्रयास, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मुझे एक साजिश के तहत चुनाव के ठीक पहले मुझे गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और शुभचिंतक विभिन्न सहयोगी संगठन सब हैं, बहुत लोगों का सहयोग मिला और ये जीत कहा जाए तो पूरे हमारे यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता के यहाँ आशीर्वाद के चलते हम जीते हैं। और हेमंत सोरेन की सरकार आई हुई है तो झारखंड में किस तरह का विकास देखा जा सकता है? उम्मीद है, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे जनता को अपेक्षाएं हैं और ये अब लोगों को महसूस रहा है कि अपनी सरकार बनी है, इसलिए चुनौती भी बहुत ज़्यादा है और जनता को बहुत अपेक्षा है कि उनका लगता है कि भाई हमारा काम, हमारा विकास, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा और इस सरकार से हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ये जनता को उम्मीद है। और टाइम फैक्ट के जरिए आप मांडर विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग मिलजुल करके, तमाम जाति समुदाय के लोग मिल करके, सभी धर्म के लोग मिल करके हम एक साथ काम करें, आपसी भाईचारा प्रेम बनाए रखें और हर एक, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर विकास के क्षेत्र में हो, सभी लोग मिल करके काम करें और सभी लोग अपने अपने गाँव में, पंचायत में ईमानदारी से चीज़ों को, ग्राम सभा भी लोग करें और ग्राम सभा में जो बातें आती है उस बातों से ही प्रखंड में कम इम्प्लीमेंट होता है, इसलिए चाहिए कि ग्राम सभा को हम मजबूती के साथ ग्राम सभा में हम जाएं और अपनी बात को रखें, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होनी चाहिए।